हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है इंटर विलैन राउटिंग। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने विलैन और वीटीपी के बारे में पढ़ा था, तो अभी हम लोग मल्टीपल विलैन्स जो हम लोगों ने बनाए थे उन विलैन्स के बीच में कैसे हम लोग राउटिंग करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग एक पूरा सिनेरियो बनाएंगे जिसमें मल्टीपल विलैन्स होंगे और उन विलैन के बीच में हम राउटिंग करना सीखेंगे। तो मिक्स सिनेरियो यहाँ पर बनाते हैं और उस हिसाब से हम लोग इसकी राउटिंग करके देखा जाएगा। तो चलिए हम एक ऐसा ड्रॉ करते हैं सिनेरियो। सोचिए कोई एक कंपनी है जिस कंपनी में चलिए, तो अभी हम ऐसे यहाँ पर एक फ्लोर डिजाइन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 फ्लोर हैं या 2 भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी हमने मान लो 2 ही ले लिए। यहाँ पर क्या कंडीशंस हैं कि हमारे मान लो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग जो है यहाँ पर बैठते हैं, कुछ डिपार्टमेंट के लोग इस एरिया में बैठते हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पर बैठते हैं। ऐसे ही केस जो है नीचे भी है, यहाँ पर भी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ यूजर जो है जितने फर्स्ट फ्लोर पे हैं उतने सेकंड फ्लोर पे भी रहेंगे, बट हमने 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ भी ले लिए। हो सकता था कि नीचे 4 डिपार्टमेंट्स ऊपर 3 हो, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें सेम नंबर्स ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्विचेज लगाएं, जैसे ये हमने एक स्विच लिया 2900 सीरीज़ का, एक स्विच हमने यहाँ पर लगा लिया और एक स्विच यहाँ पर हमने लगा लिया, ठीक है। कुछ कंप्यूटर्स भी चलिए हम लगा लेते हैं साथ ही साथ। तो इस डिपार्टमेंट में मान लीजिए इधर तो 3 कंप्यूटर्स हो गए, 3 अभी लगाए, यार कंट्रोल इसका दबा, 2-3 इधर भी लगा लिए, 2 इसमें भी लगा लिए। नीचे भी कुछ ऐसा ही किया हमने, इधर भी कुछ कंप्यूटर्स 2 लगाए, इधर 4 लगा दिया हमने, इधर 3 लगा दिए। मतलब ये नंबर सेम होना ज़रूरी नहीं। अभी हम क्या चाहते हैं कि ये जो तीनों है ना, 3 डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम चाहते हैं उनका ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाना, कि एक डिपार्टमेंट के जितने भी कंप्यूटर्स हों एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में हों, दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो। कि अगर एक डिपार्टमेंट में कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है तो उस डिपार्टमेंट में जितने काम करने वाले यूजर्स हैं सिर्फ उनके पास जाए हमारा डेटा, दूसरों के पास नहीं जाए, ठीक है। अगर हम तीनों को अलग अलग करना चाहते थे तो पिछले वीडियोज में जो हम लोग पढ़े हैं कि विलैन बना दिया जाए, दोनों स्विचेज में 3-3 विलैन बना दें और उनको हम अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं उनको उसमें असाइन कर दें, टैग कर दें, तो ये पॉसिबल है कि सभी विलैन अलग अलग हो जाएंगे, मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। बट हम इंटर विलैन राउटिंग क्यों करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं कि 3 विलैन होने के बाद भी, ठीक है, 3 विलैन होने पर भी वो तीनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, लेकिन कम्युनिकेट किस तरीके से करेंगे, तो यूनिकास्ट के तरीके से, ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर हम चाहते हैं तो कोई ऐसा डिवाइस का नाम बताइए जो ब्रॉडकास्ट को पास नहीं करता हो, बिल्कुल राउटर है। स्विच से काम नहीं चलेगा, फिर हमें एक राउटर लगाना पड़ेगा और वो राउटर से होकर के हम ट्रैफिक को अगर पास करेंगे एक विलैन से दूसरे विलैन में, तो ये पॉसिबल है कि राउटर जो है ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट को क्या करेगा, रोक देगा। हम बस इतना ही करेंगे कि विलैन 1 से जो ट्रैफिक विलैन 2 में जाएगा वो डायरेक्ट स्विच में नहीं जाए, विलैन 1 से निकल के राउटर तक जाए, फिर राउटर से निकल के तब विलैन 2 में जाए, क्योंकि जब राउटर से होकर के ट्रैफिक जाएगा तो राउटर ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट जाने ही नहीं देगा, रोक देगा। समझ में आ रहा है? तो इंटर विलैन राउटिंग में हम यही काम करने वाले हैं, ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा और उस राउटर में हमें इंटर विलैन राउटिंग कॉन्फिगर करना पड़ेगा। इंटर विलैन राउटिंग कॉन्फिगर करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करने जा रहे हैं वो IEEE द्वारा बनाया गया राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो एक ओपन प्रोटोकॉल है, किसी भी कंपनी के राउटर में कॉन्फिगर हो सकता है। उसका नाम है IEEE का .1Q 802.1Q, ठीक है ना। उस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे हम लोग इंटर विलैन राउटिंग को कॉन्फिगर करने के लिए। तो ये जो सिनेरियो बना हुआ है, हो सकता था कि हमारे कंपनी में 2 स्विचेज नहीं हो और ज़्यादा स्विचेज हो, तब आपको क्या करना पड़ता, आपको एक स्विच और लेना पड़ता। तो अभी हमने मान लीजिए एक स्विच यहाँ ले भी लिया, ये कंप्यूटर आ गया गलती से, ये चाहिए था हमें और इनको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। तो अभी स्विच यहाँ पर जरूरी नहीं था अलग से लगाने का, अगर दो ही स्विच हो, पर हम प्रैक्टिकल ये मान के कर रहे हैं कि हमारे पास दो से अधिक स्विचेज होंगे तो क्या करेंगे, इन स्विचेज में से किसी एक स्विच को हम क्या बनाएंगे, अपना सर्वर बनाएंगे और बाकी सबको क्लाइंट बना लेंगे, मीन्स हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसको सर्वर स्विच मान लेंगे, इन दोनों को अपना क्लाइंट स्विच मान लेंगे, ठीक है। और जो राउटर हम लगाएंगे वो राउटर किस पे लगाएंगे, हम जो सर्वर स्विच होगा सिर्फ उसमें लगाएंगे, अगर सर्वर स्विच में राउटिंग हो गया तो इन स्विचेज में भी राउटिंग अपने आप हो जाएगा, इन पे अलग से राउटर कनेक्ट करके राउटिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए इन स्विचेज से हम लोग इनका भी कनेक्शन कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो हमने सबको आपस में कनेक्ट कर लिया, और थोड़ा सा इन लोगों को इधर उधर हम कर दें, हाँ, जिससे वो केबल तो पता चले कि सबके लिए केबल गया हुआ है। ठीक है, ऐसा ही कुछ कहानी इधर भी होगा। कोई बात नहीं, एक आध कम ही हो जाएंगे। तो चलिए, अभी ये सिनेरियो, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो इन स्विचेज में हमें विलेन बनाना पड़ेगा। कितने विलेन बनाते हैं हम लोग, एक ऑलरेडी बना होता है, सारे पोर्ट ऑलरेडी विलेन वन में होते हैं, तो उसको वन को रहने देते हैं, दो और बना लेते हैं, ठीक है। जितने पोर्ट्स इधर भेजने होंगे भेजेंगे, बाकी सब हमारे विलेन वन में रहेंगे, दोबारा डबल मेहनत करने का क्या फायदा, हम उसके लिए भी विलेन बनाए, उन पोर्ट्स को मूव कराएं, उससे अच्छा ऑलरेडी हमारा विलेन वन बना है उसको यूज कर लेते हैं, दो विलेन और बना देते हैं, विलेन टू और थ्री। समझ में आ रहा आप लोग को, मीन्स हम लोग जो करने वाले हैं वो ये कि इन सबको यहां से लेकर यहां तक इनको हम रख लेते हैं विलेन वन में, और इनको रख लेते हैं विलेन टू में, और इनको विलेन थ्री में रख लेते हैं। ये इंटर विलेन राउटिंग करने के लिए ऐसे ही कलर करना पड़ता है, हाँ, उसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, पहचान में आएगा कि हमारे कौन विलेन वाले आपस में हैं। और ओरिजिनल स्विच पे करेंगे, सिस्को के स्विच पे करेंगे, तो वहाँ पर एक स्विच यहाँ होगा, एक स्विच लैब नंबर किसी में होगा, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा कलरिंग नहीं कर पाएंगे, वहाँ दिमाग में ही सोच के रखना पड़ेगा कि कौन सा स्विच, उसके अंदर कौन कौन से पोर्ट जो है किस विलेन में आते हैं, अन्य तो स्विच पर आपको कमांड चला के चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पोर्ट किस विलेन के अंदर आता है, तो विलेन कमांड होता है, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग स्विच पे, अभी जरूरी नहीं, और ये देखिए इंटर विलेन राउटिंग के लिए ये जरूरी भी नहीं है कि हम सर्वर और क्लाइंट बनाएंगे, ठीक है ना, हम नॉर्मली जाकर के तीनों स्विचेस पर अपना विलेन बना सकते हैं, ये भी है, ये जरूरी नहीं कि हम सर्वर और क्लाइंट बनाएंगे तभी इंटर विलेन राउटिंग होगा। चलिए, तो अभी जो अपना मेन स्विच है, इस स्विच पर हम लोग विलेन बनाने जाते हैं, हमें तीन विलेन की रिक्वायरमेंट है, विलेन वन टू एंड थ्री, वन ऑलरेडी बना होता है, दो विलेन और हम बनाएंगे, चलते हैं बनाने। इसके लिए हमें चलना है, अपना कंसोल ओपन करना है,
कमांड लाइन, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनेबल कॉन्फ टी। विलन कैसे बनाते हैं हम लोग लास्ट में पढ़े हुए हैं, लास्ट वीडियोज में देख लीजिएगा जिसको अभी भी कन्फ्यूजन होगा। और कमांड होता है विलन टू नेम, क्या नेम देना चाहते हैं हम, तो कुछ भी नाम दे देते हैं, चलो आईटी नाम दे दिया, ऐसा नहीं हमेशा आईटी ही रहेगा, कुछ और भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे विलन थ्री नेम सेल्स, ठीक है ना। तो एक विलन ऑलरेडी था, दो और हमने बना लिए, तीन विलन हो गए। अब हमें अगर चेक करना है बने हैं या नहीं बने हैं तो सो विलन कमांड चला के देख सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन विलन बन चुके हैं, क्योंकि अभी जो हमने स्विच मेन लिया हुआ इससे कोई कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट किए हुए, इसलिए हम इसमें कोई पोर्ट हमें मूव नहीं कराना पड़ेगा। ये जो दो पोर्ट है कोई बात नहीं, विलन वन में हो टू में हो या थ्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पर हमें कोई पोर्ट्स जो है मूव नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ हमें इसमें जो हम विलन बनाएंगे उनमें मूव करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं स्विच नंबर टू या जो सेकंड फ्लोर का स्विच है वहाँ पर भी हम दो विलन और बना लेते हैं। इनेबल ऑन टी और विलन टू नेम आईटी, याद रखिएगा जो आपने मेन स्विच पर नाम दिया है नंबर दिया है वही नाम नंबर यहाँ भी होना चाहिए। विलन थ्री नेम सेल्स इधर बन गए। अब देखना है कि हमें पोर्ट्स कौन से मूव कराने हैं। इधर ये जो येलो एरिया में आते हैं वो सबके सब तो विलन वन में ऑलरेडी हैं, हमें बस ये दो पोर्ट को टू में भेजना है और ये दो पोर्ट को विलन थ्री में भेजना है बस, ठीक है। तो ये जो दो पोर्ट है कहाँ से शुरू हुआ है इनका, पोर्ट नंबर सिक्स और ये फाइव, ओके। फाइव और सिक्स नंबर का जो पोर्ट है वो रहेगा विलन टू में, और ये भी सेवन और एट होगा जो जाएगा विलन थ्री में। तो सिक्स से फाइव सिक्स सिक्स सेवन, फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमारा है विलन टू। पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट नंबर फाइव सिक्स इसमें रहेगा, और ये हमारा रहेगा विलन थ्री, इसमें हमारा पोर्ट नंबर सेवन और एट रहेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं विलन हम लोग इस स्विच पर भी, क्लिक किया एग्जिट कमांड आई एन टी रेंज एफ जीरो बाई फाइव टू सिक्स और कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस विलन टू। फिर अगला कमांड है सेवन एट के लिए, सेवन हाइफन एट, सेवन से एट तक, और ये कहाँ जाएगा तो विलन थ्री में जाएगा। तो स्विच वन पर विलन भी बन चुका और पोर्ट्स भी मूव हो चुके हैं, चेक करना है फाइनली तो सो विलन, और हम देख पा रहे हैं कि फाइव सिक्स और सेवन एट जो है वो विलन टू और थ्री में जा चुके हैं। इस स्विच पर भी हम विलन बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि चार पोर्ट्स आ गए हैं विलन नंबर टू में। कोई बात नहीं, चार में भी उतना ही टाइम लगेगा, बस बोलना तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्ट। तो हम बना लेते हैं पहले विलन, फिर आते हैं देखेंगे पोर्ट किसको किस में मूव कराना है हमें। विलन टू नेम आई टी, विलन थ्री नेम सेल्स, बन गया विलन। पोर्ट्स कौन से हैं वो देखना है हमें, तो ये पोर्ट नंबर फोर है, ओके। तो फोर फाइव सिक्स सेवन, फोर से लेकर सेवन तक होगा विलन टू में, और विलन थ्री में अगर देखें हम लोग इसमें है फोर से लेकर सेवन तक, इसमें भी एट नाइन टेन होगा और क्या, क्योंकि हम सीरीज में ही कनेक्ट किए थे। ये होगा एट और ये होगा टेन, इधर घुमा रहे हैं तो इधर दिखाई दे रहा होगा पोर्ट्स। तो ये कौन कौन से पोर्ट्स हैं, एट से टेन तक, बस इन दोनों पोर्ट्स को मूव करा लिया जाए, काम खत्म। तो आई एन टी रेंज एफ जीरो बाई फोर टू सेवन स्विच पोर्ट एक्सेस विलन टू, फिर आ जाएगा पोर्ट नंबर एट से लेकर टेन तक स्विच पोर्ट एक्सेस विलन थ्री। तो
वी लैन पोर्ट्स मूव हो गए हैं। ओके तो अभी तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया ये था मल्टीपल वीलैन बनाना। अभी जो कंडीशन होगा ये कि वीलैन वन वाले टू से या थ्री से पिंग नहीं कर रहे होंगे, टू वाले वन और थ्री से नहीं कर रहे होंगे। हाँ वन वन से करेगा, टू टू से करेगा, थ्री थ्री से करेगा, बट अभी वो भी नहीं कर रहे होंगे। क्यों आईपी नहीं दिया है? नहीं आई, हाँ आईपी भी नहीं दिए है, दूसरा ट्रंक भी नहीं किया अभी। ठीक है तो आईपी तो हम देंगे बाद में, जब चेक करना होगा कि ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उतने कंप्यूटर्स को आईपी देंगे देख लिया जाएगा। बट स्विच पर ट्रंक करना पड़ेगा, और जो मेन स्विच है उसके कितने पोर्ट पर ट्रंक करना पड़ेगा? मैं दो पर भी करना पड़ेगा और राउटर वाले पे भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो राउटर कनेक्ट किए हैं उस वाले पोर्ट पे भी हमें ट्रंक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्विच वन के जितने वीलैन है उसका पूरा ट्रैफिक राउटर से होते हुए दूसरे स्विच तक जाए। तो जब कभी ऐसा हो कि एक सिंगल पोर्ट से मल्टीपल वीलैन का डेटा हमें आगे पास करना हो दूसरे वाले डिवाइस पे, तो हमें ट्रंक पोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट है और एक्सेस पोर्ट पर सिर्फ एक सिंगल वीलैन से कम्युनिकेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? हमें उसे भी ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो स्विच पर एक ही बार हम कमांड चला देते हैं तीनों के ट्रंक के लिए, तो पोर्ट नंबर वन टू और थ्री यही होंगे। इसमें पोर्ट वन है, टू है, और ये थ्री होगा, ये थ्री है। तो मेन स्विच के तीनों पोर्ट को हम कौन सा पोर्ट में बदल देंगे? ट्रंक पोर्ट। चलिए वो भी करके खत्म करें, फिर राउटर का काम बचेगा वो कर लिया जाएगा। तो conf space t और int range f0 by 1 से लेकर 3 तक, यानी इन तीनों पोर्ट पे हमें ट्रंक करना। ठीक है, कमांड हो जाएगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो हमने तीनों पोर्ट पर ट्रंक कर लिया, क्लियर? ठीक है, अभी इतना करने पर यह हुआ होगा कि विलेन वन वन से, टू टू से, थ्री थ्री से पिंग करेंगे। ठीक है ना, आईपी डाल के चेक भी कर लेते हैं। हाँ अब एक चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जब आप राउटर लगा रहे हैं और राउटर के थ्रू आप ये करने वाले हैं कि विलेन वन जो है टू से और थ्री से भी कम्युनिकेट करे, तो राउटर का अपना भी अपना काम करने का एक तरीका है कि वो कभी भी सेम नेटवर्क के आईपी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कराता। राउटर हमेशा दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में काम करता है, इसलिए अब आपको ये करना पड़ेगा कि विलेन वन को जो आईपी देंगे वो किसी और नेटवर्क का होगा, विलेन टू को किसी और नेटवर्क का, और विलेन थ्री को किसी और नेटवर्क की आईपी देंगे। सेम नेटवर्क की आईपी राउटर एक्सेप्ट नहीं करता है, राउटर हमेशा दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है ना, तो अगर हम आईपी के बारे में यहाँ पर सोचे हैं तो या तो आप सबनेटिंग करके आईपी दे लीजिए, उसी को सबनेट में बना देंगे तो राउटर समझ जाएगा कि भाई आपका अलग अलग नेटवर्क है। अभी सबनेटिंग का कन्फ्यूजन यहाँ नहीं डालना चाहते तो नेटवर्क बदल लीजिए। हमने यहाँ पर कर दिया 192.168.1.0 का नेटवर्क ले लिया। 1.0 का मतलब किसी को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आईपी दे लेंगे वन के रेंज का। विलेन टू वालों को जो हम आईपी देना चाहते हैं 192.168.2.0 का नेटवर्क का दे देते हैं, और इनको हम दे देते हैं थ्री का नेटवर्क 192.168.3.0 का नेटवर्क दे देते हैं। आपको लग रहा है कि तीनों के नेटवर्क आईडी अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि तीनों का सबनेट मास्क क्या होता है? यही होगा सबनेट मास्क 255 255 255। सेम नेटवर्क होने के लिए ये जरूरी है कि ये जितने बिट का यहाँ नेटवर्क आईडी है उतना बिट यहाँ पर सेम होना चाहिए। 24 बिट के नेटवर्क आईडी है, 24 बिट कहाँ तक का एरिया आता है? तो ये 1 तक का। इस आईपी को सेम नेटवर्क तब बोला जाएगा जब यहाँ पर भी तीसरे ऑक्टेट में 1 हो, 1 की जगह 2 है, मतलब वो डिफरेंट नेटवर्क है। यहाँ पर भी 2 की जगह 3 है, मतलब वो भी डिफरेंट नेटवर्क है। ऐसा हम लोग आईपी एड्रेस वाले चैप्टर में पढ़े हैं, हम लोगों ने तो सबनेटिंग करना भी सीखा है। हाँ, जिसको भूल रहा होगा एक बार याद कर लीजिएगा जाके, वो आप डाल दो। आगे बढ़ते हैं, तो इनको अब आईपी देने की बात है तो दे देते हैं एक एक कंप्यूटर को कम से कम। इसको हम आईपी दे देते हैं 192.168.1.2 दे देते हैं। इसको गेटवे में क्या दिया जाए? 1.1 हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि 1.1 हम अभी हम राउटर को देंगे, तो जो राउटर को आईपी दी जाती है वही गेटवे में दिया जाता है।
तभी हम राउटर को 1.1 देंगे हाँ इस VLAN के लिए, और इनको भी IP दे देते हैं, दूसरे वाले स्विच से जुड़े हुए हैं 192.168.1.3 दे दिया इनको, 192.168.1.1 इनके गेटों में दे दिया। तो ये कंप्यूटर स्विच 1 से है, ये स्विच 2 से है, क्या दोनों पिंग कर रहे होंगे? करने चाहिए, ट्रंकिंग भी हो चुका है, दोनों सेम VLAN में है, VLAN सेम है ना तो पिंग तो करेगा ही, हो रहा है सेम VLAN अभी पिंग करेगा एक दूसरे से। ओके आइए VLAN 2 वाले में भी किसी किसी को IP दे ले, दे दिया 192.168.2.1 दे दिया गेटवे में, और इसको भी दे देते हैं 2 के रेंज की IP। थ्री तो उसको दिए हैं नहीं, 2 दिए थे, ठीक है। ओके तो ये जो है अभी इससे पिंग करेगा, जबकि दोनों अलग अलग स्विच से हैं, हाँ VLAN नंबर सेम है इसलिए पिंग करना चाहिए, ये भी VLAN 2 है, वो भी VLAN 2 है। हाँ बोलो, अभी देखिए ना 20 VLAN कनेक्ट करना तो अभी एक ही राउटर से होगा, कुछ वर्चुअलाइजेशन चीज जैसी चीज होती है कुछ, वही वर्चुअलाइजेशन यूज किया जाएगा। अभी VLAN 2 से क्या VLAN 1 पिंग करेगा? नहीं करेगा ना, चेक कर लिया जाए यहाँ पर 1.3 को पिंग करा के, यही हो इसके लिए ही हमें इंटर VLAN राउटिंग करना है कि VLAN 2 1 से भी पिंग करे, बिल्कुल नहीं करेगा। एक तो VLAN अलग अलग है, दूसरा भी नेटवर्क भी अलग अलग है, वो तो नई VLAN बना होता तब भी नहीं पिंग करता, नेटवर्क अलग अलग है, राउटर तो लगाना ही पड़ेगा। और VLAN 3 को भी IP दे ले, ठीक है। तो ये 3 भी कर रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बाकी आप एक दो लोगों को प्रूफ की ज़रूरत होती है तो देख लें, ठीक है। तो अभी सेम VLAN आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट VLAN नहीं कर रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि करें, और उसके लिए हमें करना है राउटिंग। हमने यहाँ पर एक राउटर लगा लिया, अब राउटर पर हमें करनी है राउटिंग। कौन से राउटिंग करते हैं हम लोग? डॉट वन की प्रोटोकॉल का यूज़ करके राउटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं फिर, राउटर पे क्या क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। नो इनेबल कॉन्फ्टी, अब राउटर पर किस पोर्ट से कनेक्टेड है हमारा स्विच, उस पोर्ट का नंबर है G0/0/0, तो सबसे पहले हमें उस पोर्ट पे चलना है। कमांड होगा INT G0/0/0 और बोल देना है नो शटडाउन। नो शटडाउन क्यों बोलना है? पोर्ट जो है वो डाउन था, अप हो जाए, राउटर का बाई डिफॉल्ट जो पोर्ट होते हैं ना वो डाउन होते हैं, तो नो शटडाउन कमांड चला करके हम उनको अप कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम राउटर के पोर्ट को IP नहीं देंगे, क्योंकि राउटर के एक पोर्ट को तो हम एक ही नेटवर्क की IP दे सकते हैं, केबल एक ही लगाए हुए हैं, अब 3 IP देने के लिए 3 GB पोर्ट होने चाहिए,
तीन फिजिकल केबल चाहिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। स्विच ही कौन से ओरिजिनल चल रहे हैं, वर्चुअल लैन चल रहे हैं, उसके अंदर वो जो तीन नेटवर्क है हमारे कौन से वो फिजिकल नेटवर्क है तीनों, वर्चुअल नेटवर्क तो है तीनों। जब स्विच वर्चुअल नेटवर्क बना सकता है तो राउटर भी वर्चुअली अपना इंटरफेस बना सकता है, मतलब राउटर पर भी हम वर्चुअल लैन कार्ड बना देंगे, वर्चुअल इंटरफेस बना देंगे और उस वर्चुअल इंटरफेस को हम आईपी देंगे, काम करेगा। समझ में आ रहा है? राउटर पर भी वर्चुअल इंटरफेस बनाए जा सकते हैं वर्चुअल लैन को कनेक्ट करने के लिए। तो चलते हैं राउटर पे वर्चुअल इंटरफेस बनाने। एग्जिट, फिर होल्ड है क्या जी? ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जितने विलैन होते हैं उतने वर्चुअल इंटरफेस बनाने पड़ेंगे। तो अभी विलैन वन के लिए जो हम वर्चुअल इंटरफेस बनाने जा रहे हैं उसका कमांड लिखिए, int जी 0x0x0.1 राउटर पे, int जी 0x0x0.1 यानी जो आपका गीगाबिट का पोर्ट नंबर है वो, उसके आगे 0.1 यानी उसी के अंडर में एक हम वर्चुअल इंटरफेस बनाने जा रहे हैं 0.1 के नाम से। ठीक है, एंटर। और अब यहां पर हम कमांड चलाएंगे इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, ये राउटिंग करने का कमांड है इसका, इंटरविलैन का, डॉट वन क्यू। ठीक है, एंटर, इनकम्प्लीट। ओके, यहाँ पर आगे वीलैन नंबर भी देना है कि ये इंटरफेस किस वीलैन को कनेक्ट करने के लिए आप बना रहे हैं। तो अभी हमने बोला कि हम वीलैन वन के लिए बना रहे हैं तो हमने लिख दिया वन। ठीक है, अब वीलैन वन को जिस रेंज की आईपी आप दिए हैं उसी रेंज की आईपी आप इस वाले इंटरफेस पर भी दे लीजिए। तो आईपी हमने वहाँ दिया है 192 का, आईपी एड 192.168.1.1 हम लोगों ने डिसाइड किया था कंप्यूटर्स के गेटवे में, जो विलैन वन में जितने भी कंप्यूटर हम लोगों ने यही आईपी दिया था, मतलब ये आईपी हमें किसे देना था, राउटर को देना था। ठीक है, तो राउटर पर VLAN 1 के लिए एक इंटरफेस बन गया, उसको आईपी दे दिया गया, उस पर इनकैप्सुलेशन भी कर दिया गया डॉट वन क्यू के लिए। अब ऐसे ही दो बार और इसी प्रोसेस को दोहराना है, यानी कि दो इंटरफेस और बनाने हैं वर्चुअली और उसको भी आईपी देना है और इनकैप्सुलेशन चलाना। तो हम लोग आगे बढ़े, यहाँ से कर लेंगे एग्जिट और फिर कमांड होगा int जी 0x0x0.2। int g 0x0x0.2 और कमांड होगा इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, टू लिखेंगे इस बार क्योंकि ये किसके लिए हम बना रहे हैं, विलैन टू के लिए। जिस विलैन के लिए ये इंटरफेस हम बना रहे होंगे वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नंबर, तो हम विलैन टू के लिए बना रहे हैं तो हमने लिखा डॉट वन क्यू स्पेस टू। और अब इसको आईपी देना है हमें, तो आईपी देना है 192.168.2.1 आईपी देना था हमें, टू जो कि हम अपने विलैन में सभी कंप्यूटर्स को आईपी दिए हैं इसी नेटवर्क का। और फिर कर लेंगे एग्जिट। ठीक, बस एक बार और यही कमांड, int जी 0x0x0.3। समझ में आ रहा है ना, int जी 0x0x0.3 इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू और यहाँ पर रहेगा विलैन थ्री के लिए नंबर 3 और आईपी देना है अब हमें
और आईपी देना है 3 के रेंज का, तो हमने दे दिया 3.1 जी, हो गया फाइनली। चेक करना है हमें कि इंटरफेस बने हैं, आईपी मिला है नहीं मिला है, कमांड क्या होगा, सो आईपी आईएनटी ब्रीफ। तो हम ऐसा देख पा रहे हैं कि 3 वर्चुअल इंटरफेस बने हैं G000 के अंदर 0.1, 2, 0.3, और ये आपका आईपी उनको मिला हुआ है, ठीक। अब फाइनली अब हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या VLAN 1 के कंप्यूटर VLAN 2 के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 1 से तो हो रहा था, लेकिन 2.3 से भी होना चाहिए। हो रहा है, मतलब अब VLAN 1 से VLAN 2 में भी डेटा जा रहा है। 3.3 से भी पिंग करा लें, तो अब VLAN 1 जो है वो अब 3 से भी पिंग कर रहा है, मीन्स अभी तीनों VLAN आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। आईपी अलग अलग नेटवर्क का है, VLAN भी बना हुआ है। तो ये आपका हो गया इंटर VLAN राउटिंग।